प्रदेश के बांदा में विगत दिनों हुई लूट का बांदा पुलिस के द्वारा सकुशल अनावरण कर लिया गया है। आपको बताते चले कि जनपद में 13 अगस्त को जबलपुर जनपद से भैंसों से भरे आ रहे कंटेनर को कुछ बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया था। इस कंटेनर में जो भी भैंसें थी उनको जबलपुर से फतेहपुर बिक्री के लिए ले जाया जा रहा था। बदमाशों ने मुखबिरी के माध्यम से भैंसों से भरे कंटेनर को बड़ी ही सफाई के साथ जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई भाई के पास लूट की घटना को अंजाम दिया और भैंसों से भरा कंटेनर लेकर वहां से चंपत हो गए। घटना के बाद कंटेनर के मालिक के द्वारा पूरे मामले की जानकारी संबंधित थाने में दी गई। उसके बाद से पुलिस के द्वारा लगातार मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी और जांच पड़ताल के दौरान पुलिस के द्वारा घटना को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके पास से लूटी गई भैंसें व कुछ भैंसों की बिक्री करने की धनराशि भी बरामद की गई है। वहीं साथ ही लूट में प्रयुक्त होने वाले वाहनों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। छापेमारी के दौरान वही मौके से 2 अभियुक्त फरार होने में भी सफल रहे। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई बाईपास का है, जहां पर बीते 13 अगस्त को मध्य प्रदेश के जबलपुर से भैंसों से भरा एक कंटेनर बिक्री के लिए फतेहपुर जा रहा था। तभी कुछ बदमाशों के द्वारा मवई बाईपास के पास मुखबिरी के माध्यम से उस कंटेनर में लूटपाट की गई और भैंसों से भरा कंटेनर लेकर वहां से 9-2-11 हो गए। जैसे ही पूरे मामले की जानकारी कंटेनर के मालिक को लगी तो उसने तत्काल मौके पर पहुंचकर संबंधित थाने में मामले की जानकारी दी। उसके बाद से स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही थी। बांदा पुलिस के द्वारा घटना को अंजाम देने वाली संबंधित आरोपियों को महोबा के मलिन इलाके में घेराबंदी करके पकड़ने का काम किया गया है। फिलहाल घेराबंदी के दौरान 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए हैं और पुलिस ने 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया और वहीं छापेमारी के दौरान 27 भैंसों को व अन्य भैंस की जिनकी बिक्री कर ली गई थी उनसे प्राप्त हुई लगभग 70,000 की धनराशि को बरामद किया गया है। साथ ही लूट में प्रयोग की जाने वाले साधनों को भी पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया है। वहीं पुलिस ने सभी आरोपियों को सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया है। 13/8/2022 को थाना कोतवाली देहात अंतर्गत मोहखर बाईपास के पास 147 भैंसों से लदी कंटेनर को बदमाशों द्वारा लूट लिया गया था। आज घटना का सफल अनावरण किया गया है। थाना कोतवाली देहात का थाना प्रभारी का कार्य श्रीमती अंबुजा त्रिवेदी प्रशिक्षणाधीन जो हमारे बगल में बैठी इनके द्वारा किया जा रहा था। इनके द्वारा जो है बहुत ही अथक परिश्रम से घटना का सफल अनावरण किया गया है। 4 अभियुक्तों को जनपद महोबा से मालन पहाड़ी के पास में गांव है पहरा, वहां पे जंगलों में ये लोग भैंसों को उतार करके दूसरे कंटेनर भरकर बेचने के लिए ले जा रहे थे। वहीं से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। 2 अभियुक्त मौके से भागने में कामयाब हुए थे, चूँकि टोपोग्राफी ऐसी थी कि जब तक पुलिस घेराबंदी करती तब तक आहट होते ही 2 बदमाश वहां से निकल चुके थे। घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को बरामद किया गया है, एक i20 हुंडई जिसका बदमाश प्रयोग कर रहे थे गाड़ी को पीछा करने में। इसके अलावा जो दूसरा कंटेनर और पहला कंटेनर, 2 कंटेनर बरामद हुए हैं। घटना में कुछ भैंसों को इन्होंने बेच दिया था, जिससे 70,000 की बरामदगी हुई है। लगभग पूरे केस में 1 करोड़ की बरामदगी हुई है और जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो हमारे अराजपत्र अधिकारी हैं उनको 10,000 का नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, घोषणा की गई है। और डिप्टी SP प्रशिक्षणाधीन जो प्रभारी थानाध्यक्ष हैं उनको एक विशेष पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से दिया जाएगा।